ये 2015 की बात है. I used to teach in Government College of Technology, Texla, in Pakistan. और 2015 में ही मैंने कुछ मंथ्स वहाँ पे जॉब की और मैंने रिज़ाइन कर दिया. मैं ज़रा फ्लेक्सिबल टीचर था तो इस वजह से स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया और यही वजह थी कि इवन रिज़ाइन के बाद भी वो मुझसे कनेक्टेड रहे वाया सोशल मीडिया. तो कुछ अर्से बाद मुझे पता चला सोशल मीडिया के ही ज़रिए कि एक मेरा स्टूडेंट जो टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा कर रहा था उसकी डेथ हो गई. और वजह जानने पर पता चला कि जिस फील्ड में वर्क फील्ड में वो जॉब कर रहा था वहाँ पर उसको करंट लगने से उसकी डेथ हो गई. हमारे यहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा फुकदान है और बसा अवकात ऐसा भी देखा गया कि बेशक सेफ्टी मेजर्स हों या प्रिकॉशनरी मेजर्स हों या स्ट्रिक्टली एडवाइस किया गया हो कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, हम अपने तई खुद इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते. सो आई एम हियर एट मुबशिर होस्टल विच इज़ ओन्ड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड एंड इट इज़ सिचुएटेड इन रावलपिंडी. सो आज के व्लॉग में हम प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स या इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी लाइक फायर हाउ टू रिस्पॉन्ड और हाउ टू ओवरकम दैट सिचुएशन एक पूरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई जो कि फलाहे इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से ऑर्गेनाइज की गई. इसका मतलब है ये सिलेंडर कौन कौन सी आपको जा सकता है? ये और ये है फायर ब्लैंकेट. इस कपड़े को आग नहीं लगे. एरिया कवरिंग टेप है. फलाहे इंसानियत फाउंडेशन का फेसबुक लिंक नीचे मेंशन है, आप उसको विजिट कर सकते हैं. ये डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, हाउ टू एस्केप और हाउ टू रेस्क्यू. एस्केप मीन्स आप अपनी हिफाजत खुद कैसे कर सकते हैं, रेस्क्यू मीन्स आप दूसरों को कैसे बचा सकते हैं. और उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी मुनीबा मजारी का, आप सबको पता होगा वो अब व्हील चेयर पर हैं. उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने ख़ुद बताया एक इंटरव्यू में कि जब उनको रेस्क्यू किया गया वो जो लोग जो उनको रेस्क्यू कर रहे थे दे आर नॉट वेल अवेयर हाउ टू रेस्क्यू समवन. सो उन्होंने जब उनको गाड़ी से निकाला तो उनको स्पाइनल कॉर्ड को उन्होंने डैमेज कर दिया और हमेशा के लिए मुनीबा मजारी को उन्होंने चलने से माजूर कर दिया. वर्कशॉप में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया कि इन केस ऑफ फायर हाउ टू रेस्क्यू अदर्स एंड एस्केप योरसेल्फ. तो कुछ बातें जो मेरे जहन में रह गई हैं, ज़ाहरी बात है पूरी वर्कशॉप तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता. कुछ बातें उनमें मिसाल के तौर पर कि जो चीज़ें वर्टिकल होती हैं उनको ज़्यादा आग लगती है एज़ कम्पेयर टू दोस विच आर हॉरिजॉन्टल. और उसकी मिसाल है पर्दों. पर्दों को ज़्यादा आग लगेगी एज़ कम्पेयर टू कालीन, क्योंकि पर्दों में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टू फायर. फिर इसी तरह अगर किसी को आग लग जाए तो हम अमूमन आग लग जाती है तो भागना शुरू कर देते हैं और भागने से क्या होता है आपकी बॉडी को और ऑक्सीजन मिलती है और आग और भड़कती है. तो क्या करना चाहिए जब आपकी बॉडी को आग लग जाए तो आपको ज़मीन पे रोल अप करना चाहिए, इससे आग पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है. और इसी तरह जो डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आग बुझाने वाले सिलेंडर्स हैं उनमें आग की कैटेगरी के हिसाब से लिखा हुआ होता है कि आग की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी. और सिलेंडर्स के ऊपर मैंशन होता है कि ये वाला सिलेंडर जो है फलां कैटेगरी के लिए. इसमें हमने ये भी सीखा कि जब आग लग जाए किसी भी बिल्डिंग को या घर को खुदा न खासा तो आग से इतना नुकसान नहीं होता जितना आपके हवास बाख्ता हो जाए उससे नुकसान होता है. सो जब भी अल्लाह ना करे ऐसी एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो अपने हवास पे काबू रखें. इसी तरह इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया कि अगर मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग है तो हर फ्लोर पर आग को बुझाने के आलात मौजूद होने चाहिए और लोगों को इसके बारे में गाइडलाइंस देनी चाहिए कि उनको एमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल किया जाए. साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल लाजमी किया जाए हर बिल्डिंग के अंदर. मिसाल के तौर पर ये स्टेयर्स हैं, ये मस्जिद है, ये रास्ता इधर को जा रहा है, ये रास्ता इधर को जा रहा है, एग्ज़िट का रास्ता ये है इन केस ऑफ एमरजेंसी. सो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया. For more information, you can search online or you can visit any of the nearest organization who organize or conduct these kind of workshops. मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा. इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे. स्टे ब्लेस्ड.